एक्विजिशन ऑफ बिजनेस, देखिए एक्विजिशन ऑफ बिजनेस का मीनिंग होता है, एक्विजिशन मीन्स एक्वायर करना, यानी कि किसी का बिजनेस खरीद लेना, ठीक है, या परचेज कर लेना। तो यहाँ पर जो जनरेटिव्स लिखते हैं, यहाँ पर परचेजिंग कंपनी के अकाउंट में लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो थ्री जनरेटिव्स मोस्टली यहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं, एक जनरेटिव्स अगर कुछ बढ़ गया तो जनरेटिव्स रहेंगी, अदरवाइज थ्री जनरेटिव्स कंपलसरी रहेंगी। फर्स्ट रहेंगी बिजनेस परचेज अकाउंट डेटा टू वेंडर अकाउंट डेटा, वेंडर मतलब सेलर, ठीक है। तो कितने में बिजनेस परचेज करे, साथ में वेंडर का नाम क्या है, बीइंग बिजनेस परचेज, या फिर परचेज कंसिडरेशन अग्रीड अपॉन, अग्री कर लिए इतना है, ठीक है। फिर असेट्स लेके जा रहे हो, एक एंट्री रहती, टोटल असेट टेकन ओवर, कुछ गुडविल का अमाउंट पे करें तो वो रहेगा, ठीक है। अमाउंट डेटा टू, क्या क्या पे करेंगे इसके बदले, करंट लाइबिलिटीज पे कर लेंगे जो नई कंपनी है उसकी, और उसको पैसे देना रहता है उसको बोलते हैं बिजनेस परचेज बोलेंगे, ठीक है। फिर साथ में साथ क्या रहेगा, कैपिटल रिजर्व, यानी कि अगर कम दे रहे हैं तो कैपिटल रिजर्व बोलेंगे, या फिर ज़्यादा दे रहे हैं तो क्या बोलेंगे, गुडविल बोलेंगे, ठीक है। ज़्यादा दे रहे मतलब ज़्यादा अमाउंट पे कर रहे हैं मीन्स गुडविल का अमाउंट पे कर रहे हैं, अगर कोई अमाउंट कम पे कर रहे हैं जितनी उसकी वैल्यू है बिजनेस की, वो वैल्यू से कम वैल्यू में पे कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे कैपिटल रिजर्व। तो बींग वेरियस असेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर, अब पेमेंट करते हैं, पहले क्या करते हैं हमेशा, बिजनेस अग्रीड अपॉन, परचेस कंसिडरेशन अग्री कर लेते हैं, फिर असेट्स और लाइबिलिटीज पे के लिए अग्री, पेमेंट के लिए अग्री कर लेते हैं, असेट्स लेके असेट्स खरीदना और लाइबिलिटी पे कर लेना। अब परचेस कंसिडरेशन अग्री हो गया ना, तो पेमेंट कैसा करते हैं, वो करेंगे थर्ड एंट्री में करेंगे, ठीक है। परचेस कंसिडरेशन, वेंडर अकाउंट आ जाएगा अपने को, अगर कोई वेंडर डिस्काउंट भी दिया तो वो भी आएगा अपने को, उसके बदले में अपन कैसा देंगे उसको, इक्विटी शेयर में दे सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर में दे सकते हैं, डिबेंचर में दे सकते हैं, कोई प्रीमियम में दे सकते हैं, साथ में कुछ बैलेंस बचा या फिर कैश में भी पे कर सकते हो। बीइंग परचेस कंसिडरेशन पेड, ठीक है। तो ये परफॉर्मा रहेगा, उसके बाद बैलेंस शीट करना, ठीक है। बैलेंस शीट एज यूजुअल, अगर समझो कोई नए शेयर्स इशू करे, ओके, कोई न्यू शेयर्स इशू करे तो क्या बोल के लिखेंगे, कैश आएगा अपने को, उसके बदले शेयर्स पे करेंगे अपन, इशू करेंगे, जैसे इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, बीइंग बैलेंस ऑन शेयर्स ट्रांसफर टू कैश, उसके बाद क्या करना, बैलेंस शीट प्रिपेयर कर देना, ठीक है। दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ परचेस एक्विजिशन ऑफ बिजनेस।